मिथुन राशि वालों जय महाकाल। महाकाल आपकी रक्षा करे, महादेव का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। महादेव के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। मिथुन राशि वालों सोमवार का दिन 2 मई, सौभाग्य योग कृतिका नक्षत्र, सूर्य और शुक्र का प्रभाव, राहु की छाया, चंद्रमा बृहस्पति, मंगल और शनि की दृष्टि। आज दिन बड़ा शुभ है क्योंकि 3 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन से आपके लिए शुभ योग आरंभ होगा जो आपके जीवन में धन समृद्धि सौभाग्य लेकर आएगा। आज बुध और चंद्रमा की युक्ति है, बृहस्पति के साथ शुक्र बैठा है, सूर्य राहु के साथ गोचर कर रहा है, चंद्रमा उच्च का होकर आज आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। आज चंद्रमा बुध के साथ बैठा है जबकि शुक्र उच्च का होकर बृहस्पति के साथ आपकी कुंडली के कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान में मंगल शनि के साथ बैठा है और पंचम भाव में केतु का गोचर है। आपकी कुंडली के लाभ स्थान में राहु सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य भरणी नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है जबकि शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के प्रभाव से प्रभावित है। आज सौभाग्य योग है, बृहस्पति और शुक्र बेहद मजबूत स्थिति में है। शुक्र उच्च का होकर आपकी कुंडली के कर्म स्थान में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। इस स्थिति में शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ सुंदर स्थिति सुखद परिणाम आपके जीवन में कोई मांगलिक कार्य होगा। आपकी शक्ति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगा, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। समय बड़ा शुभ है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जो आपके जीवन में तरक्की उन्नति का योग बनाएगा। आज का दिन आपके लिए समृद्धि सौभाग्य लाभ और सुख लेकर आया है क्योंकि आज आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में मंगल शनि का गोचर है, लाभ स्थान में राहु बैठा है और कर्म स्थान में बृहस्पति के साथ शुक्र का गोचर है। मिथुन राशि वालों विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का पंचांग, ग्रहों की दशा, आज का भाग्य। आज नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं, आज मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन सुखों से भरा होगा, शुभ समाचार मिलेगा, धन की परेशानी दूर होगी और आपके जीवन में बड़ा लाभ का योग है क्योंकि आज आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में जो मंगल शनि का गोचर है इसमें शनि अपने घर में बैठा है। मंगल अपने प्रभाव से भाग्य को प्रबल बना रहा है, वहीं कर्म स्थान में बृहस्पति अपने घर में बैठा है जबकि शुक्र उच्च का होकर कर्म स्थान में बैठा है। अपने कर्म से जीवन में शुभ समाचार पाएंगे, अपने कर्म से आप धन कमाएंगे, अपने कर्म से जीवन में सुखों का भोग करेंगे। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, सौभाग्य योग कृतिका नक्षत्र, सूर्य और शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया है, चंद्रमा बृहस्पति, मंगल और शनि की दृष्टि है। आपके जीवन में लाभ का योग है, सौभाग्य का योग है। आज आपका सोया हुआ नसीब भी जागेगा, आपके जीवन में सफलता और कामयाबी प्राप्त होगा। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई बाधा है तो आज का उपाय देखना बिल्कुल ना भूलें। मिथुन राशि वालों जो स्टूडेंट हैं अपने जीवन में अपने कर्म से बड़ी सफलता आप प्राप्त करेंगे क्योंकि आप कर्म योगी हैं। कर्म स्थान में शुक्र बृहस्पति के साथ बैठा है, रुका हुआ काम पूरा होगा, आपके द्वारा किया गया कार्य सफल होगा। समय शुभ है, आपके जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त होगा। वहीं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं आपके काम की सराहना होगी, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका सुखद परिणाम भी आपको मिलेगा।
धन कमाने का योग है तो आपके जीवन में शुभ काम भी होंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। आज आपके लव लाइफ में खुशी है, सुख है, सौभाग्य है, क्योंकि शुक्र जो आपके जीवन में सौंदर्य, जो आपके जीवन में समृद्धि, जो आपके जीवन में सुख देता है, आपके जीवन को बिल्कुल सुंदर बनाता है, जिससे आपकी समस्या खत्म होती है और आपके जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त होता है। आज आपका पारिवारिक जीवन सुंदर होगा, आज आपके लव लाइफ में प्यार भी होगा, आपके लव लाइफ में खुशी भी होगी, रिश्ते भी अच्छे होंगे, क्योंकि आज बृहस्पति और शुक्र के कारण रिश्तों को निभाना, रिश्तों को बनाना आपको अच्छी तरह आता है, जो आपके जीवन में आपको सुख देगा। आपके अंदर से नकारात्मक विचार दूर होंगे और आपके जीवन में आपके रिश्ते सुंदर होंगे, पारिवारिक जीवन सुख देगा और गृहस्थ जीवन में खुशियां बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों, जो नौकरी करते हैं, अपने काम को करते जाएं, मन लगाकर काम करें। अच्छे तृतीया यानी इस महीने के 3 तारीख और उसके बाद का समय आपके जीवन में बड़ा लाभ लेकर आया है, बहुत लाभ देगा। आपकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति का संबंध अच्छा है, जो आपके जीवन में आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। जो व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता भी पाएंगे, अपने जीवन में भाग्य वृद्धि से, अपने आत्मविश्वास से शानदार परिणाम देखने को मिलेगा, जो आपके धन को भी बढ़ाएगा, आपके जीवन में सुख भी लेकर आएगा। क्योंकि आज शुक्र उच्च का होकर आपकी कुंडली के कर्म स्थान में बैठा है, जबकि शनि अपने घर आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए समय बड़ा खास है, बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई बाधा है, तो आज छोटा सा उपाय करें। घर से निकलते वक्त दायां पैर घर से बाहर सबसे पहले निकालें, तो जिस भी काम करने के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कई बार ऐसा होता है, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, तो समझ लें सूर्य की गति धीमी हो गई है। आज कृतिका नक्षत्र है, सूर्य स्वामी है, आप सूर्य को जल चढ़ाएं, गणेश जी की पूजा करें, सोया हुआ भाग्य भी जागेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, आज अमृत काल और विजय मुहूर्त भी है, जो आपके जीवन में भरपूर खुशी, सफलता और धन देगा। आज का राहु काल सुबह 7:19 से 8:59 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर रेड होगा, लकी नंबर 1 होगा। तो सूर्य और शुक्र का प्रभाव, राहु की छाया, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और शनि सौभाग्य योग कृतिका नक्षत्र में आपके जीवन में शुभ फल देगा। आज का दिन शुभ है, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। महाकाल का दर्शन करें, महादेव की पूजा करें। ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय महाकाल, जय महादेव, ओम नमः शिवाय।